नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव और आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ समाज सेवी अर्चना गौतम जी, जो लंबे समय से समाज में काम कर रही हैं और समाज के गांव में और देहात में जाके कैडर लेती हैं। आज हम उनसे बात करेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर, देश में क्या माहौल बन रहा है और इस टाइम बहुजनों की क्या सोच है। मैम जी, सबसे पहले मैं आपके द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है सभी को, जो दर्शक हैं सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। और जो आने वाले समय में बहुजन समाज में जो एक ऊर्जा निकल के आ रही है, एक नई सोच बन के आ रही है, वो ये कि अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अब इस देश में बहुजनों की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि बहुजन अब उतना सोया हुआ नहीं है, वो जाग चुका है, अपने अधिकारों के प्रति चेत गया है, वो समझ गया है कि हमें क्या करना है। हमें शिक्षा चाहिए, रोज़गार चाहिए, आवास चाहिए, सम्मान चाहिए, हमें सभी कुछ चाहिए। जो एक आम जनता को, एक आम नागरिक को मिलना चाहिए, वो सभी कुछ चाहिए। तो इसलिए वो आगे अपने वोट के अधिकार का सही प्रयोग करना सीख गए हैं और कहाँ करना है वो भी जान गए जी। मैम, आप समाज में एक्टिव रहती हैं और जगह जगह अपने सभाएं करती रहती हैं, क्या लगता है कि 2019 में आपका चुनाव लड़ने का कौन सी पार्टी से और कहाँ से प्लान है? देखिए, मैं गांव-गांव जाकर काम कर रही हूँ। मुझे मालूम है कि शहर में कैडर देने की ज़रूरत नहीं है, शहर में पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन गांव में लोगों को शिक्षा का अभाव होने की वजह से वहां पर जाकर कैडर देने की बहुत सख्त ज़रूरत है। वहां लोगों को अपने वोट के अधिकार के प्रति जगाने की ज़रूरत है, इसलिए मैं गांव-गांव में जाती हूं। और रही बात मेरे चुनाव लड़ने की, तो चुनाव मैं वहां से लड़ूंगी जहां बहुजनों के अधिकारों की बात जो पार्टी करेगी, मैं उस पार्टी से जुड़ के काम करूँगी जी। मैम, एक बात चल रही है पूरे देश में कि अगर सपा बसपा का गठबंधन होता है, मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है उत्तर प्रदेश में। और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता होकर अगर जिसकी वहां पर पकड़ होगी वही दिल्ली का राजा बनेगा। तो क्या लगता है अगर ये गठबंधन होता है, जिस प्रकार से बार बार अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन तय है, बस अनाउंस करना बाकी है जी। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लगभग ये बात क्लियर है कि इस बार बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगी। बस एक खुलकर, जो कहते हैं ना कि एक सर्टिफिकेट के साथ नहीं, ये बात बाहर आई है और ये बहुत बड़ा एक अच्छा संदेश है। मोदी को डरने की ज़रूरत है कि आज बहुजन समाज, बहुजनों में SC ST OBC जो भी OBC की पार्टियां हैं वो सब और BSP मिलकर लड़ रहे हैं। अब BJP का क्या हाल होगा ये वो खुद सोच सकती है, क्योंकि UP में 80 सीटें हैं लोकसभा की। और सच में ये बात सही है कि UP से होकर ही दिल्ली का रास्ता बना हुआ है उससे जाने का, तो नेचुरल सी बात है। इसमें सोचने की दो राय कोई बात नहीं है कि यूपी में अब की बार BJP का रास्ता साफ होगा और बहुजनों की सरकार आगे बनेगी। जिस प्रकार से यूपी 3 लोकसभा उपचुनाव हुए थे, 1 विधानसभा उपचुनाव हुआ था, जिस प्रकार से सपा ने और BSP ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा जी, और उसमें BJP को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा, तो क्या लगता है अगर दोनों साथ आ गए तो BJP पक्का निश्चित हारेगी, उसके लिए एक संकट की घड़ी है इस टाइम? मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहूँगी कि जो चुनाव हुए थे उनमें से 2 तो मैंने ही भी उसमें जाकर भागीदारी की थी और चुनाव लड़ने में पूरा अपना सहयोग दिया था। और मैं ये चाहती थी कि इस बार समाज जो है वो जाग जाए, क्योंकि EVM के द्वारा ही ये लोग अपनी सरकार बना रहे हैं। मैं खुलकर नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि सबको पता है, पूरे देश को पता है कि जो वर्तमान में सरकार है वो कैसे आई है। तो ये इस बात से इनको डर तो बहुत लग रहा है कि अगर EVM नहीं रही तो फिर इनका क्या हाल होने वाला है। हम तो चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो और उसे पता भी लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है, कौन सी पार्टी समाज का काम कर रही है, देश का काम कर रही है। इस देश का जो नागरिक है आज वो इतने अत्याचारों को सहन कर रहा है कि अब कभी दोबारा से BJP का शायद वो नाम नहीं लेगा कि वो दोबारा सत्ता में आए जी। बहुजन समाज में एक नेता मानी जाती हैं जिन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है और बहुजन समाज का बहुत अच्छा नेतृत्व करती हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती, उनका नाम बड़ी तेजी से बढ़ चढ़ के आ रहा है कि तीसरे मोर्चे की दावेदार बड़ी नेता मानी जा रही है प्रधानमंत्री पद के लिए जी। तो क्या लगता है कि बहुजनों का इस प्रकार रायसीना हिल पर कोई बहुजनों का नेता या बहुजनों की कोई नायिका बैठेगी? क्यों नहीं, मुझे लगता है कि बहन जी के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। बहन जी का जो नेतृत्व है वो इतना अच्छा है कि आप देख सकते हैं कि जब बहन जी आई यूपी में 4 बार, तो यहाँ का जो प्रशासन था वो सारे लोग थर थर कांपते थे, समय पे सारे लोग ड्यूटी पर पहुँचते थे। क्या इस देश का नागरिक ये नहीं चाहेगा कि सरकार अपना काम बखूबी करे? तो ऐसी सरकार बहन जी के अलावा और कोई नहीं बना सकता, इस तरह का प्रशासन और कोई नहीं चला सकता। तो
हमें लगता है कि जो आयरन लेडी बेंजी कुमारी मायावती जी हैं उनको उनके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, प्रधानमंत्री की वो एकमात्र उम्मीदवार हैं जी। मैम मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जिस प्रकार से बहन जी ने अभी आकर जो बड़े बड़े फैसले लिए हैं, छोटी छोटी पार्टियों को हर स्टेट में जिस प्रकार से उन्होंने गठबंधन किया है, छत्तीसगढ़ में अजोत जोगी से क्या है और हरियाणा में इनोलो पार्टी से क्या है, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी से, अनेक पार्टियों में तेलंगाना में उनका गठबंधन की बात चल रही है, राजस्थान में भी बात चल रही है, धीरे धीरे जिस प्रकार से बहन जी एक अपना जाल बिछा रही हैं और जो विपक्ष की बड़ी पार्टियाँ कांग्रेस और बीजेपी जो उन्होंने अलायंस बना रखे हैं एनडीए और यूपीए, उसी तर्ज पे जिस प्रकार से बीएसपी सुप्रीमो मायावती चल रही है, क्या करती है, ये बड़ा स्टैंड लिया बहन जी ने इस टाइम? देखिए यूँ कहते हैं ना कि मान्यवर काशीराम जी भी कहते थे कि परिवार जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा रहता है। परिवार में पहले देखा था आपने कि भारत में बच्चे एक परिवार में काफ़ी हुआ करते थे, जिसके परिवार में जितने ज़्यादा बच्चे होते थे वो उतना शक्तिशाली माना जाता था। यही अब अपने देश में है कि जितनी ज़्यादा पार्टियाँ मिलकर, छोटी छोटी पार्टियाँ अगर एक साथ मिलकर काम करती हैं तो एक अच्छा रिजल्ट आएगा। बहन जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और वो इस तरीके से इस देश में बहुजनों का शासन वापस ले आएंगी और होगा ये जरूर। आखिरी सवाल मेरा ये है कि बहुजन समाज के लिए 2019 का लोकसभा चुनाव में क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए ये जो वर्तमान में सरकार चल रही है वो पूरा दम लगाएगी, अपना आप को शराब से, पैसे से और दूसरे तरीकों से खरीदने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर आप एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो सबको सबको बराबर समझे, इस देश में रोज़गार पैदा करे, इस देश में शिक्षा के केंद्र खोले, विश्वविद्यालय बनाए, हॉस्पिटल बनाए, तो आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। आपके वोट का कल को आपको ये ना लगे कि मेरा वोट कूड़े में चला गया, आपका वोट कीमती है। सरकार प्रधानमंत्री चुनने में आपको ये पता लगना चाहिए कि मेरे वोट का भी इस प्रधानमंत्री को चुनने में इस्तेमाल किया गया है, तो आप अपना वोट सोच समझ के देना आगे से। और अगर ईवीएम में आपकी पार्टी का जिसका आपने बटन दबाया है उसकी पर्ची नहीं निकलती है तो आप उसका विरोध करें, बहिष्कार करें कि हम यहाँ पर इस तरह से चुनाव नहीं होने देंगे। ये पूरे देशवासियों से मेरा आह्वान है। ये थी हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी अर्चना गौतम जी, जो समाज के हर तबके से बात करती हैं और कैडर लेती हैं जाकर, और इन्होंने बहुजन समाज से सीधी सीधी अपील की है कि 2019 के लोकसभा में किसी के बहकावे में ना आए, किसी के ठगपन में ना आए और अपने बहुजन समाज के किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी को वो चुने और 2019 में लोकसभा के चुनाव में अपने बहुजन समाज का कोई भी प्रधानमंत्री बनाने में पूरी भूमिका निभाएं। कैमरामैन सुशील के साथ मैं गजेंद्र जाटव, दिल्ली।